हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट मैं कैसे बनाती हूँ और क्या क्या टाइम रहता है मेरा, कैसे मैनेज करती हूँ मैं अपने समय को। और जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, जब भी लंच प्रिपेयर कर देती हूँ या बाद में बनाती हूँ, कैसे सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो फ्रेंड्स, वीडियो की करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो आज देखिए, नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ पोहा। वैसे तो मेरा मन था कि मैं डायरेक्ट आज लंच ही बना लूँ, लेकिन हस्बैंड की डिमांड पे उन्होंने बोला कि नहीं, पहले ब्रेकफास्ट बना लो, फिर बाद में लंच करेंगे 2:30-3 बजे के करीब। तो मैंने कहा ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में उनको उनका ही मन था पोहा खाने का, तो बना रही हूँ मैं आज पोहा नाश्ते में। वैसे हमारे घर में सबको ही पसंद आता है पोहा, और काफ़ी दिन से बना भी नहीं है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये रूटीन ना हो नहीं पाता है, और पराठा सब्जी वगैरह बन जाता है। जो बच्चों के लिए मैं मतलब लंच बना के देती हूँ, वही हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है मेरा रूटीन। बट अभी क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं तो फिर नाश्ता भी बना लेते हैं चेंज कर करके। तो बस वही तो नाश्ते में पोहा बना रही हूँ। तो पोहे के लिए मैंने काटा है एक आलू, प्याज और एक टमाटर। और आलू मैं कच्चा ही डालती हूँ इसमें, ना कच्चा आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो ट्राई करके देखना, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पहले ना ऑयल में डाल के मैंने ना पहले उनको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि कच्चे आलू थोड़े से टाइम लगाते हैं, इसीलिए पहले उनको सबसे पहले उनको फ्राई करती हूँ, फिर मूंगफली डालती हूँ बाद में। तो एक तरफ मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने थोड़ी सी चाय बनाने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि पोहा के साथ ना चाय बड़ी अच्छी लगती है और बिना चाय के साथ ना पोहे में कम मज़ा आता है। तो ये देखिए, आलू हमारे बहुत अच्छे से ब्राउन से रेड से हो गए हैं। तो साइड में कर दूँगी उनको मैं कढ़ाई में, और फिर उनको साइड में करके मूंगफली फ्राई कर लूँगी मैं। तो इसी तरीके से मैंने ना ब्रेकफास्ट की जब भी तैयारी करी है, तो साइड में मैं दिखाऊंगी आपको, और वीडियो आप पूरी देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरी देखना, एंड तक देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, सारे मसाले मेरे तैयार हो गए हैं, उस पर नमक हल्दी मिर्ची सब डाल दिया था, और यमी यमी पोहा हमारा बन गया है, और चाय भी रेडी हो गई है, और ये मैं सब सर्व कर दे रही हूँ सबको एक साथ में। तो हम लोग फिर नाश्ता करेंगे, और साइड में ही मैंने ना साथ ही साथ लंच की भी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ मैं, जिससे कि क्या रहता है मेरा ना टाइम सेव हो जाता है और बार बार मुझे किचन में नहीं आना पड़ता है। ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं, जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तभी लंच के बारे में सोच लेती हूँ कि आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ। जैसे दाल वगैरह बनाती हूँ तो पहले से मैं भिगो के रख देती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसी समय कट कर लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह बना देती हूँ। तो आज लंच में बनने वाला है इडली सांभर, तो उसी की तैयारी मैं करके रख रही हूँ। तो मैं रवा इडली ही बनाती हूँ, हमारे घर में सबको ना रवा इडली ही पसंद आती है, और जो दाल चावल वाली इडली बनती है वो किसी को भी पसंद नहीं है। तो मैं रवा इडली ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। तो ये पैकेट वाला ले लेती हूँ, और थोड़ी सी नॉर्मल सूजी भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, और ये मेरा घर का जमा हुआ दही है, बहुत अच्छा दही जम रहा है आजकल। तो ये देखिए, एक कटोरी मैंने इसमें दही डाल दिया है, और पानी जितना भी देख लूँगी मैं हिसाब से, अपना अंदाजे से जितना मुझे पानी चाहिए उस हिसाब से मिक्स करके मैंने उसको भी तैयार करके साइड में रख दिया है। और ये भी देखिए, बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है। और सांभर में मैंने 2-3 सब्जियां यूज करी हैं, तो सांभर भी हमारी रेडी है। इसको ना अच्छे से मैं घोट दूंगी, घुटी हुई सांभर हमारे घर में अच्छी पसंद करते हैं। अभी बज गया है 2:30, और अभी लंच की तैयारी यहाँ पे कुछ हुई नहीं है, क्योंकि बीच में चली गई थी लाइट, तो लाइट जस्ट अभी आई है, और मुझे मसाला पीसना है ना इसका, तो ये मसाला पीस रही है, आयुषी हेल्प कर रही है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो बना लेती हूँ फटाफट से, गैस पे बना लूंगी सांभर, और एक पे इडली का रख दिया है पानी इधर गर्म करने के लिए, और एक तरफ इडली बना लूंगी। बैटर मैंने बना के रख ही दिया था अभी, तो मसाला भी हमारा पिस गया है, बच्चों को लग रही है भूख,
और मैं ना तारक मेहता देख रही थी, तारक मेहता आ रहा था ना बहुत अच्छा, तो हम लोग तब से ना तारक मेहता ही देख रहे थे 12:30 बजे से ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो चलो बना लेते हैं लंच अपना। और यहाँ पे कर रही हूँ सांभर की तैयारी, और दूसरी तरफ मैंने इडली की भी तैयारी करने के लिए रख दी है, क्योंकि सबको अभी लग रही है तेज वाली भूख, और कुछ अलग बना हो ना तो बच्चों को और भी ज़्यादा भूख जल्दी लगती है। तो इडली सांभर हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो सांभर के लिए मैंने लिए थे 2-3 टमाटर लिए थे, और 2-3 हरी मिर्च ली थी, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था। तो सबको मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस लिया है, और ये इसका अच्छे से मसाला बना लेंगे। और इसमें मसाले मैंने क्या क्या डाले हैं, और मसाले में डाले हैं मैंने लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। और थोड़ा सा नमक हमारा सांभर में डला हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा ही डाला है मैंने। और ये देखिए इडली का बैटर ना खूब फूल गई है, सूजी जो है फूलने में थोड़ा सा समय लगाती है, तो आधे घंटे मैंने छोड़ दिया था। और अभी इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, जब मैंने नमक नहीं डाला था, तो नमक डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और बनाने के लिए रख दूँगी इडली। और साथ ही साथ मैं मेरी दूसरी साइड सांभर का भी मसाला रेडी हो रहा है, और यहाँ पर चटनी पीस दे रही है आयुषी, वो इमली जो होता है, सॉरी इमली पीस रही है। चटनी तो मैं नहीं बना रही हूँ, खाली सांभर और इडली ही बना रही हूँ, क्योंकि चटनी मेरी ऑलरेडी रखी हुई है, तो बच्चे अगर खाएंगे हम लोग लेंगे तो चटनी है, तो आज मैं चटनी नहीं बना रही हूँ, साथ में सांभर और यही बना रही हूँ। तो इमली ना मैं पीस के डालती हूँ, जिससे कि जो भी मतलब टुकड़े टुकड़े से आते हैं ना, वो घर में किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, तो पीस के मिक्सी में डाल के और फिर उसको छान के डाल देती हूँ छलनी से, तो सब लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और ये देखिए इडली बनाने के लिए रख दे रही हूँ मैं। और सारा मसाला इसमें ना बहुत अच्छे से पहले भुन गया है, अभी आग डाल रही हूँ मैं ये सांभर मसाला। तो ये पूरा पैकेट ही मैं डाल दूँ, कि इसमें बड़ा एक चम्मच होता है ना उतना ही मसाला निकलता है, तो इतना तो मैं डालती ही हूँ, तो इतना मसाला इसमें काफ़ी सफिशियंट रहेगा। तो इतना मसाला मैंने डाल दिया है और बहुत अच्छे से भून लूँगी इसमें, और फिर कढ़ाई में से निकाल के ना मैं इसको कुकर में ही सर्व मतलब डाल दूँगी, क्योंकि कढ़ाई में सांभर आएगा नहीं अच्छे से, फिर उसमें बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा कुकर में ही। तो फ्रेंड्स हमारा तो इडली सांभर बन रहा है, और आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। और अगर मेरी वीडियो इस तरीके के आपको देखना पसंद है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और लाइक भी करिए वीडियो को, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। और यहाँ पे देखिए इडली बन गई है, और ये ना बिल्कुल भी नहीं चिपकती हैं, और इतनी सॉफ्ट बनी है ना इडली, और बहुत जल्दी बन जाती हैं, 10 मिनट के करीब बन जाती हैं 10 मिनट में इडली। और मैं इनको निकाल लूँगी और दूसरे टर्न की जो है फिर दोबारा बनाने के लिए रख दूँगी, और जब तक थोड़ी इडली ठंडी होंगी तब तक हमारी सांभर भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। अभी मुझे इमली डालनी है उसमें ना, क्योंकि पहले उसको बहुत अच्छे से मैं बॉईल कर लूँगी, बाद में इमली डालते हैं, यही प्रोसीजर है सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं ना चाकू से छान रही थी, फिर मैंने ना बाद में फटाफट से उसको छाना था, क्योंकि उससे तो बहुत देर लग जाती। तो फ्रेंड्स लग गया है हमारा आज का लंच इडली सांभर, आप लोग भी आ जाइए साथ में अपना लंच इंजॉय करते हैं, और कुछ अलग बनाया आज मैंने इडली सांभर। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर।